जिला राजस्व विभाग अधिकारी कार्यालय में एसीबी ने की कार्रवाई। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। टीम ने ऑफिस के कंप्यूटर में रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही एसीबी की टीम ने शहर के 5 राशन की दुकानों पर भी छापा मारा और वहां भी जांच शुरू कर दी। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील कुमार ने कहा है कि एसीबी की टीम शिकायत मिलने के बाद मुखबिर की सूचना पर छापा कार्रवाई के लिए पहुंची। टीम सभी रिकॉर्ड की जांच कर रही है। एसीबी सूत्रों से पता चला है कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आम जन तक पहुंचाने वाला गेहूँ व अन्य सामान मिलो और फैक्ट्री में पहुंच रहा है। इसकी शिकायत पर टीम DSO ऑफिस पहुंची है, जहां पर राशन के आवंटन को वितरण के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। आम लोगों ने हमें शिकायत की थी कि PDS में जो वितरण है राशन का, उसमें गड़बड़ है केरोसिन और गेहूँ इत्यादि के वितरण में। तो इसको लेके हमने आज उसका थोड़ा सत्यापन किया और सत्यापन के पश्चात हमने आज जो DSO ऑफिस है उनके रिकॉर्ड्स को भी हम चेक कर रहे हैं, कितना यहाँ से प्राप्त हुआ है रिकॉर्ड, उनके रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर और उनके जो POS मशीन्स में कितना चढ़ाया गया डिस्ट्रीब्यूशन, इसका रिकॉर्ड देख कर हमने सेलेक्टेड जो रैंडम सेलेक्ट किए हैं कुछ PDS शॉप्स, उन पर हमारी अलग अलग टीमें जो हैं वो लगभग सर कितनी दुकानों पर ये कार्रवाई चल रही है अभी। हम फिलहाल 5 ऐसा मैंने कहा रैंडम 5 PDS शॉप्स को सिलेक्ट करके उन पे हम उनके रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं, उनका जो माल रखा हुआ है राशन का उसका फिजिकल शहर की या ग्रामीण इलाके में। अभी कोटा शहर में ही कर रहे हैं। ये कितनी गड़बड़ी की टीम्स डिफरेंट जो रेंज की है सारी टीम्स लग रही है इसमें। सर इन्वॉल्वमेंट किस किस का निकल कर आ रहा है अभी? जिसका कुछ नहीं कर सकते, प्राइमरी स्टेज पे अभी सारा जो इंस्पेक्शन है अभी प्राइमरी स्टेज पे चल रहा है। डॉक्यूमेंट से कुछ आइडेंटिफाई अब तक हो पाया हो? जो है अभी हम चेक कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं, उसमें जो भी डिस्क्रिपेंसीज हमको नोट कर रहे हैं और जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा वो बाद में पता चल सकता है। ठीक है, गड़बड़ी की कितनी शिकायतें मिली थी सर? देखिए गड़बड़ी की लोगों ने शिकायतें की थी, इसमें हमें कोई लिखित प्रॉपर शिकायत नहीं मिली थी, तो उसके आधार पर हेडक्वार्टर की परमिशन से हम आकस्मिक चेकिंग। आपको कितनी आशंका सर कितनी की? अभी हम देख रहे हैं सर, ये जोधपुर के तरह का घोटाला निकल सकता है क्या? अभी देखते हैं, मालूम पड़ जाएगा। सर आप यहाँ आप कार्रवाई करने आए थे, यहाँ DSO साहब मौजूद ही नहीं है सर? नहीं, DSO साहब मौजूद थे, वो हमें मिल के गए थे, तो वो शायद अपने चैम्बर में आप चेक कर रहे हैं, बैठे होंगे, हम इधर रिकॉर्ड देख रहे हैं सर। सर ये महिला है,